नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल के जिला कांगड़ा के डेहरा विधानसभा क्षेत्र में वोट डालते हुए एक वीडियो वायरल होने के मामले पर राज्य निर्वाचन विभाग ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा को जाँच करके जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा। दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बिना किसी देरी के जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा देहरा को विधानसभा क्षेत्र में वोट डालने की वीडियो की सच्चाई का पता लगाने को कहा। मनीष गर्ग ने बताया कि वोट डालने का वीडियो वायरल होना गुप्त मतदान के लीक होने का मामला है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को तुरंत इसकी जाँच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मनीष गर्ग ने कहा कि जाँच रिपोर्ट सामने आने के बाद निर्वाचन विभाग अगली कार्रवाई अमल में लाएंगे, दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला कांगड़ा के डेहरा विधानसभा क्षेत्र में कल वोट डालने का वीडियो वायरल हुआ, वह भी तब जब चुनाव आयोग ने पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाई हुई थी। बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों ने मतदाताओं से वोट डालने के सबूत मंगवाए थे। इसके बाद मतदाताओं ने सोशल मीडिया पर वोट डालने का वीडियो और फोटो वायरल कर दिया है। डेहरा विधानसभा क्षेत्र में दो अलग अलग जगह पर वोट डालते हुए लोगों का वीडियो वायरल हुए है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मतदाता ईवीएम में पहले नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजीव शर्मा पर वोट कर रहे हैं। दूसरा वीडियो वाला मतदाता आजाद उम्मीदवार होशियार चंद को वोट डालते हुए दिखाई दे रहा है। यह वीडियो चुनाव आयोग के गुप्त मतदान की पोल खोल रहा है। वायरल वीडियो में मतदान के वक्त मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए, इसमें मतदाता ने ईवीएम पर बटन दबाने से लेकर वीवीपीएटी में स्लिप दिखाने का पूरा वीडियो शूट किया है। गुप्त मतदान को लीक करने का एक और मामला शिमला से भी सामने आया है। यहां पर भी एक मतदाता वोट डालने की सीक्रेसी को लीक किया है और उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।